इस्लामी मसाइल के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कौमा और जलसा में जल्दबाजी से सजदा सहव का वजूब। अगर किसी शख्स ने नमाज में इतनी जल्दबाजी की कि कौमा और जलसा की हालत में एक तस्बीह के बकदर भी रुका न रहा तो तर्क वाजिब की वजह से उस पर सजदा सहव लाजिम होगा। इस मसले का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर लोग कौमा और जलसा में जल्दबाजी से काम लेते हैं। किसी रकात का भूला हुआ सजदा अगली रकात में अदा किया। हर रकात में दो सजदे फर्ज हैं और दोनों का लगातार एक साथ करना वाजिब है। अगर किसी शख्स ने किसी रकात में एक सजदा भूल से छोड़ दिया फिर नमाज के दौरान ही अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसे चाहिए कि भूला हुआ सजदा नमाज के दौरान ही अदा कर ले, दीगर अरकान को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है और आखिर में सजदा सहव करें। कायदा में तशहुद यानी अतहियात से पहले कुछ और पढ़ना। कायदा में तशहुद पढ़ना वाजिब है, लिहाजा अगर तशहुद शुरू करने से पहले कुछ और पढ़ लिया तो ताखीर वाजिब की वजह से सजदा सहव करना वाजिब होगा।